हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाला हूँ मेट्रो रेल के ऊपर ये लगभग 100 शब्दों का एसे हिंदी में। ओके सर फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट। महानगरों में जनसंख्या की त्वरित गति से वृद्धि के कारण उनके प्रकार की समस्याओं ने जन्म लिया है, जिसमें परिवहन व्यवस्था की समस्या भी एक है। बड़े बड़े महानगरों में सड़कों पर दौड़ते वाहनों के कारण वातावरण अत्यंत प्रदूषित हो जाता है। लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है तथा अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ करना आवश्यक हो गया। सर्वप्रथम कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। अब तो दिल्ली में भी इसका शुभारंभ हो चुका है। 24 दिसंबर 2002 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली की मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया था। आज दिल्ली में शाहदरा केंद्रीय सचिवालय, विश्वविद्यालय, कनॉट प्लेस, द्वारका, रिठाला आदि तक के लिए मेट्रो सेवाएं उपलब्ध है। दिल्ली से बाहर गुड़गांव, नोएडा, सिटी सेंटर, वैशाली आदि विभिन्न स्थानों तक इस सेवा का विस्तार किया गया है। मेट्रो रेल पूरी तरह वातानुकूलित तथा स्वचालित है, कुछ भाग तो भूमिगत है। इस रेल सेवा से प्रदूषण पर बहुत अंकुश लगा है, साथ ही सड़कों पर भीड़ भाड़ पर भी फर्क पड़ा है। दिल्ली वासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय की बचत भी हुई है। मेट्रो रेल दिल्ली की शान है, इसे देखकर भारत की प्रगति का नमूना मिल जाता है। महान गृह जीवन में मेट्रो रेल व्यवस्था बहुत ही उपयोगी है। निकट भविष्य में इस सेवा को और भी आगे बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक्स।